हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंकर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पीने का पानी नहीं आ रहा है आरओ में और अगर वेस्ट वाटर आ रहा है तो उसको कैसे चेक करना है। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरी और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो आरओ मेम्ब्रेन है उसको आप क्या देख लीजिए कि आपने वो कब चेंज करी थी लास्ट टाइम। आपको क्या करना है, पर डे का कंजप्शन आपको ये देखना है कितना लीटर आपका पानी यूज़ होता है और उसको कितने दिन हो चुके हैं उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो उसको कैसे, कितने लीटर तक ये मेम्ब्रेन की लाइफ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डाव फिल्म टैग है या फिर आपकी जो अच्छी मेम्ब्रेन, सबसे अच्छी मेम्ब्रेन डाव फिल्म टैग की ही कहलाती है और जो ब्रांडेड मेम्ब्रेन और भी आती हैं तो उनको आप देखेंगे तो 1000 TDS अगर आपका इनपुट सप्लाई का TDS है तो ये मेम्ब्रेन आप मान के चलिए 6000 लीटर तक एक एवरेज दिन चल जाती है। अगर आपका पानी का TDS 2000 या 1500 TDS है तो आप मान के चलिए ये फिर आपका 5000 के आसपास आपकी चलती हैं। लेकिन अगर आपका पानी का TDS 400, 500 या 600 के आसपास है, मतलब 500 की रेंज में है, तो आपकी ये मेम्ब्रेन जो है 8000 लीटर तक भी चला सकते हैं। 7000 लीटर आप मैक्सिमम मान लीजिए, 8000 तो बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन है कि आप नहीं चेक कर पाए, तो 7 से 8000 के बीच में आप चला सकते हैं इसको। तो अगर आपका टाइम कैलकुलेट करने के बाद ये आता है कि हाँ ये इतनी मेम्ब्रेन हो चुकी है, इसका टाइम पूरा हो चुका है, तो कृपया करके सबसे पहले ये मेम्ब्रेन, ये जो है इसके अंदर की मेम्ब्रेन आप चेंज कर लें। मेम्ब्रेन को कैसे चेंज करना है उसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इसके बाद मेम्ब्रेन चेंज करने के बाद आप क्या करें, ये पाइप जो है ये यहाँ ना लगाएं, यहाँ से इसको बाहर निकाल लें, इस साइड से इसको लगा रहने दें। इसमें जो आप देख रहे होंगे कि ये वेस्ट वाटर की लाइन है, आपको शायद थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, ये वेस्ट वाटर की लाइन है ये वाली। तो ये लाइन मैंने क्या करा है, इसको डायरेक्ट मैंने यहाँ जोड़ा हुआ है, ये पाइप डायरेक्ट आया हुआ है। इस फ्लो रिस्ट्रिक्टर मैंने इसका भार लगाया हुआ है 550 का। इसको भार मैंने इसलिए लगाया है कि जब मुझे मेम्ब्रेन को फ्लश करना होता है, वैसे इसकी वीडियो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी इसका भार लगाने का रीज़न, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि जब इसको मैं भार निकाल लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद आरओ को चला दीजिए तो मेम्ब्रेन फ्लश हो जाती है, उसके बाद मैं इसको वापस लगा देता हूँ तो मुझे बार बार आरओ नहीं खोलना पड़ता। तो आप क्या करें, अगर नई मेम्ब्रेन लगाने के बाद भी पानी नहीं आ रहा, जैसे आपने यहाँ से निकाल दिया, मेम्ब्रेन नहीं लगाई, उसको आरओ को ऑन कर दीजिए और फिर ये चेक करिए कि यहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्योंकि वेस्ट वाटर तो आपका आ रहा था पहले भी, तो वेस्ट वाटर तो आएगा लेकिन यहाँ से पानी आ रहा नहीं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए, नई मेम्ब्रेन लगाने के बाद फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगा होना चाहिए। तो इसके बाद आप पानी चेक करिए यहाँ से कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से पानी बाहर आ रहा है तो ठीक है, फिर आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। अगर पानी नहीं आ रहा है नई मेम्ब्रेन लगाने के बाद भी, तो आप क्या करें कि जो हेड है इसका, यहाँ से देखें कोई लीकिंग तो नहीं हो रही यहाँ पे। अगर लीक नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो 550 का फ्लो रिस्ट्रिक्टर है इसे आप 450 का लगा के चेक करें। अगर पहले से ही 450 का लगा हुआ है तो आप इससे कम रेटिंग का एक देख लें, मतलब 400 का मिल जाए तो 400 का लगा लीजिए और लगा के तब चेक करें कि इसमें पानी आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसके बाद भी इसमें से पानी आना शुरू नहीं होता है तो आपको दोनों ही कंडीशन में, या तो ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर के बाद पानी नहीं आता है और या फिर यहाँ से लीक होता है, दोनों कंडीशन में ही आपको क्या करना है, ये हेड जो है आपको चेंज करना है। ये हेड पूरी पंप चेंज ना करें, आप हेड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस हेड को कैसे चेंज करते हैं इसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। बहुत ही आसानी से चेंज हो जाता है। कुछ दुकानदार आपको बोलेंगे कि ये पूरा पंप चेंज कर दो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हेड चेंज करके भी काम चला सकते हैं। एक और कंडीशन है कि अगर आपका ये 450 का लगा के, अगर 450 का पहले से ही लगा हुआ है, अगर आपने 400 का लगाया उसके बाद इसमें पानी आना शुरू हुआ या फिर थोड़ा कम आ रहा है पानी, आएगा तो पानी, लेकिन पानी का भी एक वो होता है कि हाँ भाई ज़्यादा आ रहा है या कम, बिल्कुल कम पानी आ रहा है, उस केस में भी आपको ये पंप का हेड चेंज करना पड़ेगा। पंप का हेड इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पंप होता है, ये जो इनपुट प्रेशर जनरेट करता है, ये इसके लिए मिनिमम एक प्रेशर चाहिए होता है तभी ये मेम्ब्रेन काम करती है, नहीं तो ये वेस्ट वाटर ही निकालेगी। अगर इतना प्रेशर इसको नहीं मिलेगा जितना इसको चाहिए,
तो उस केस में ये मेम्ब्रेन काम नहीं करेगी, चाहे आप कितनी भी अच्छी मेम्ब्रेन लाएं चाहे कितनी भी बेकार। तो आप ये ना सोचें कि मेम्ब्रेन ख़राब है, मेम्ब्रेन ख़राब नहीं होगी उस कंडीशन में, नहीं है ऐसा नहीं है कि मेम्ब्रेन आप सोचें कि पंप ख़राब है तो मेम्ब्रेन चेंज ना करें, अपने टाइम पे मेम्ब्रेन को ज़रूर चेंज कर लें। उससे क्या होगा, नहीं तो अननेसेसरी अगर मेम्ब्रेन ज़्यादा चोक हो गई तो फिर पंप पे प्रेशर बढ़ेगा और पंप ख़राब होने के चांस होंगे। अगर वो ख़राब नहीं होगा तब भी वो हो जाएगा बाद। मेम्ब्रेन चेंज करने के बाद आपको मेम्ब्रेन के साथ साथ आपको क्या क्या चेंज करना है वो भी मैं बता देता हूँ कि जो ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर है ये 100% आपको चेंज करना है और मेम्ब्रेन चेंज करनी है। और इसके साथ साथ इस पोस्ट कार्बन फिल्टर, ये देख रहे हैं आप पोस्ट कार्बन फिल्टर, यहाँ से आपका जो चेक वाल्व के थ्रू जो है पानी नीचे जाता है इसमें टैंक में, तो आप इसको भी चेंज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो आप देख रहे हैं प्री कार्बन फिल्टर और ये जो सेडिमेंट फिल्टर हैं, ये दोनों, इन दोनों की लाइफ भी आप मान के चलिए 2000 लीटर के आसपास होती है। तो आप वो कैलकुलेट कर लें, अगर आपका इसके आसपास टाइम हो चुका है तो आप इनको भी चेंज कर लें। मतलब अगर ये 3 बार चेंज होगा तो ये 1 बार चेंज होंगे दोनों, ये दोनों, इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके रखिए। तो आप ये दोनों भी चेंज कर लीजिए तो पूरा सिस्टम अगर चेंज हो जाएगा तो एक ही बार में आपका ये मेम्ब्रेन का भी लाइफ बढ़ जाएगा। इसका होता क्या है, अब ये जो ख़राब होता है इसका भी मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझा देता हूँ। इसके अंदर एक रबड़ का डायफ्राम होता है, तो वैसे आपको ये पूरा हेड चेंज करना है तो उसमें डायफ्राम वगैरह सब कुछ आएगा सेट होके, तो वो आपको बस ये स्क्रू खोलने हैं और लगा देने हैं। लेकिन इसमें रबड़ का डायफ्राम होता है, तो अगर आपके पानी का TDS 1500, 2000, 1000 से ऊपर है तो आप ये मानिए ये 4 से 5 साल में ये पंप 100% आपका ख़राब होने के चांसेस हैं। तो उस TDS से आप पता लगा सकते हैं, और उससे कम अगर आपका TDS है मान लीजिए 300, 400, मतलब 400 की रेंज तक है तो आपका ये पंप का हेड 7, 8 साल, 9 साल, 10 साल भी चल सकता है। इसलिए ये भी डिपेंड करता है कि आपके पानी का TDS कितना है, क्योंकि इसमें रॉ वाटर जाता है इसके अंदर, तो इससे क्या होता है वो रबड़ पे स्टेन जम जाते हैं और वो धीरे धीरे वो ख़राब होने लगता है। तो साल का नहीं, इसका भी वही जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन में अगर आपका 8-10 लीटर का कंजप्शन है तो ये 6-7 साल चल जाएगा। अब इसका अगर आपके पास प्रेशर गेज है तो आप प्रेशर यहाँ से, ये तो इनपुट है ये आउटपुट है, यहाँ से आप प्रेशर चेक कर सकते हैं। इसके प्रेशर कैसे चेक करते हैं इसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अब ये तो आपका 100% ये हेड चेंज करने के बाद आपका पानी पीने का आने लग जाएगा। लेकिन अगर आपका पीने का पानी और रॉ वाटर जो वेस्ट वाटर होता है इसमें से जो आता है बाहर निकल के, यहाँ से जो पानी आता है दोनों ही नहीं आ रहे हैं तो कैसे चेक करना है उसकी वीडियो आपको मेरे ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया करके लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए मेरी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।